हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग देयर लाइफ। और गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डेली नाइट को एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम चर्चा करते हैं दूसरे दिन के कुछ इंट्राडे स्टॉक्स पे। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे कुछ पांच बेहतरीन स्टॉक जो कल के लिए इंट्राडे के लिए बेहतर हैं, और हम यहाँ पे बात करेंगे उनके एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस, सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप रेगुलर इन सीरीज़ को देख रहे हैं और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें रिगार्डिंग इंट्राडे या फिर पोजिशनल ट्रेड या फिर किसी एक पर्टिकुलर छोटे स्टॉक में निवेश करने की कोई एडवाइस अगर हम दें तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इंफ्राटेल लिमिटेड के बारे में, ठीक है। यहाँ पे 1 आवर का मैंने चार्ट लिया है और चार्ट आपके सामने है, 1 घंटे का चार्ट है, इस पर मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। बाकी जो चार्ट है 1 वीक का और 1 डे का और साथ ही 15 मिनट्स का, वो ऑलरेडी हमने एनालाइज कर दिया है, उसी के बाद यहाँ पे इसको कंसिडर किया है, ठीक है। सभी एनालाइजेशन कंप्लीट होते हैं उसके बाद आपके सामने सभी स्टॉक जो हैं वो लाके बताए जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए गाइज, यहाँ पे क्या ट्रेंड बना है कि इसकी एमएसईडी लाइन जो है उसने सिग्नल लाइन को क्रॉस कर दिया और क्रॉस करके अप ट्रेंड की ओर एक मूवमेंट हमें दिखा रही है। साथ ही अगर बात करें तो आप देख लीजिए यहाँ पे जुलाई 1 तारीख की बात करें तो जुलाई 1 तारीख से एक बेहतरीन अप ट्रेंड जो हमको देखने को मिला है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो तो लास्ट कैंडल जो थी, लास्ट 2 कैंडल, वो हमें डिक्लाइन होते हुए नजर आई हैं। साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट हमें डाउन ट्रेंड की ओर दिख रहा है, लेकिन कल आने वाले टाइम में इसका जो चांसेस ज़्यादा है वो एक अप ट्रेंड का है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो चार्ट हम बात कर रहे हैं वो 1 घंटे के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें वीकली परफॉर्मेंस की और 1 डे परफॉर्मेंस की, तो ये जो ओवरऑली ट्रेंड जो है एज पर RSI एंड एज पर MACD एक अपर ट्रेंड हमें दिखा रहा है कल के दिन में, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ पे कंसिडर किया है। इंट्राडे के लिए हम अब चर्चा करेंगे इसके इंट्राडे सेटअप पे और कैसे इसमें एंट्री लेना है और क्या क्या करना है कल के दिन में, उसके ऊपर थोड़ी नज़र डालते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा सेटअप आपके सामने लगाया हुआ है। यहाँ पे हम बात करेंगे एंट्री पॉइंट की, टारगेट की और स्टॉप लॉस, और साथ में टर्म को समझेंगे कि इसमें क्या करना है। हमें सिर्फ इंट्राडे करना है जैसा कि अभी यहाँ पे हमने लिखा है, और इसको अवॉइड करना है अगर ये गैप अप हो जाए टारगेट के आसपास। अपना टारगेट क्या है, 233 से 235 के आसपास अगर गैप अप होके आ जाता है स्टॉक, तो इसको हमें अवॉइड करना है, इसमें एंट्री हमें नहीं बनानी है। साथ ही गाइज, यहाँ पे एक नोट दिया होता है जिसको आप पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक नोट पढ़ के समझा देता हूँ, बाकी के नोट आप देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि ये नोट क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना। इस नोट को पढ़ने से आपको एंट्री लेना है या नहीं वो कल के मार्केट टाइम के ट्रेंड के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। ये नोट आपको यही चीज़ बताता है। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने लिखा है कि 1 दिन का जो चार्ट है उसमें RSI वैल्यू जो है वो एक अप ट्रेंड दिखा रही है और 50 पॉइंट के आसपास दिख रहा है RSI, ठीक है। RSI जब RSI 50 के पास दिखता है और अप ट्रेंड की ओर बढ़ते हुए दिखता है हमें अपर ट्रेंड की ओर, तो वो बहुत ही अच्छी मूवमेंट एक अप ट्रेंड की ओर देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कंसिडर किया है कि 1 डे के चार्ट में जो RSI है वो एक अप ट्रेंड दिख रहा है। साथ ही अगर बात करें यहाँ पे 1 वीक के RSI कॉन्सेप्ट को, तो वो 61 के आसपास दिख रहा है, अभी तक 70 तक नहीं पहुँचा है। अगर 1 वीक को भी देखें तो वहाँ पे भी एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें MACD इंट्राडे कॉन्सेप्ट के लिए, तो MACD एंड RSI दोनों जो है वो एक पॉजिटिव साइड हमें दिखा रही हैं, इसलिए इसको हमने आज कंसिडर किया है कल के लिए इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा, मैंने जो एंट्री पॉइंट और टारगेट और स्टॉप लॉस की बात की है उसके हिसाब से काम जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। और तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर का स्टॉक जो हमने लिया है वो है SBI कार्ड। तो ट्रेंड जो है आप देख सकते हैं सिंपली अप एंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से क्लियरली हमें ये शो कर रहा है कि ये अप ट्रेंड है आने वाले टाइम में, ठीक है, देखते ही समझ में आता है। साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें RSI 60 और 70 के आसपास जो है हमें नजर आ रहा है, और ये जो है डिफॉल्ट वैल्यू है, यहाँ पे भी MACD हमने डिफॉल्ट वैल्यू पे लिया है और डिफॉल्ट वैल्यू ही सबसे बेहतर होता है एनालाइजेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे RSI सपोर्ट में है, MACD भी सपोर्ट में है, और साथ ही ट्रेंड जो है स्टॉक का वो भी पूरे सपोर्ट में है। यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया है वो एक रेड कैंडल के साथ दिया है, यानी कि डाउन ट्रेंड की ओर, लेकिन हमें ओवरऑली कॉन्सेप्ट को समझना है, ओवरऑली चार्ट को देख के काम करना है। तो ओवरऑली अगर देखें तो ये एक अप ट्रेंड है, बीच में डाउन ट्रेंड दिखने को मिला, ठीक है, लेकिन वापस एक अप ट्रेंड चालू हुआ है। अब ये जो है ब्रेकआउट मोमेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है ये, ठीक है।
तो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो इसको आप पोजिशनल ट्रेड के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, और साथ ही कल इंट्राडे में इसमें काम जरूर करिएगा। एसबीआई कार्ड पे एक और बात बोलना चाहूंगा कि एसबीआई कार्ड जो लिस्ट हुआ मार्केट में वो रॉन्ग टाइम पे लिस्ट हो गया। आपको पता है जब कोविड-19 की शुरुआत थी तब ये लिस्ट हो गया, अदरवाइज ये स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता, लेकिन ऐसे टाइम फ्रेम में आया है ये कि इसने एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। अगर कहा जाए तो हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इसमें बाइंग पोजीशन बनाने की, जिसको हमने शायद मिस कर दिया है, लेकिन अभी भी टाइम गया नहीं है। इसमें आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि 6 मंथ और 1 साल के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो एसबीआई कार्ड जो है वो आपके लिए अच्छा स्टॉक साबित होगा। साथ ही कल इंट्राडे में क्या करना है उस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एंट्री पॉइंट, टारगेट, स्टॉप लॉस, टर्म और अवॉइड इफ में पूरी इन्फॉर्मेशन लिख दी है। तो जैसे कि अगर ये भी गैप अप ओपन हो जाता है तो इसको भी अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो अगर गैप अप हो जाता है तो अवॉइड कर दीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए गाइस इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। इसी वीडियो में मैंने कवर कर दिया है इस चीज़ को, ठीक है, मैं इसके लिए अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा। लॉन्ग टर्म में इसको कवर कर लेना, उसका रीजन जैसे कि मैंने आपको बताया भी था और मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और गाइज ये जो प्राइस पॉइंट है उसको समझ के इंट्राडे में काम करना है। हो सकता है ये थोड़ा ऊपर ओपन हो जाए तो इस गैप में आपको काम करना है, जो गैप हमने यहाँ पे आपके सामने रखा है। गाइज तीसरे स्टॉक की बात करेंगे इन्फोसिस की, और इन्फोसिस में आपसे बोलना चाहूंगा गाइज इन्फोसिस जो है वो थोड़ा रिस्की मामला है इंट्राडे के लिए, लेकिन फिर भी हमने लिया है क्योंकि एक अच्छा सा अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है चार्ट पे, साथ ही एमएसडी आरएसआई भी सपोर्ट में है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड अगर कॉपी कर लिया है इसने, क्योंकि यहाँ पे पीछे ट्रेंड देखिए, यही सेम मूवमेंट यहाँ पे भी हमें देखने को मिली है, तो अगर ये सेम ट्रेंड के बाद डाउन फॉल हो गया स्टॉक तो इंट्राडे में आपको एक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इसको सोच समझ के ट्रेडिंग करिएगा। मैं आपको बता दूंगा इसके पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट भी, उसके हिसाब से काम करिएगा। लेकिन आप इसको एज अ पोजिशनल ट्रेड लेके चलना चाहते हैं तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके डेटा को और समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ डेटा में मैंने पोजिशनल भी लिखा है, ठीक है, और इंट्राडे की अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए एंट्री पॉइंट की वैल्यू आप देख सकते हैं, साथ ही टारगेट आप देख लीजिए गाइस, और स्टॉप लॉस भी मैंने मेंशन किया है, तो इस हिसाब से काम करिएगा। और इस नोट को एक बार रीड जरूर कर लेना, ठीक है। एमएसडी क्रॉसओवर जो है वो 26 जून का यहाँ पे हो चुका था, इसमें अगर डे चार्ट पे देखें तो 26 जून को एमएसडी क्रॉसओवर हुआ, यानी कि एक अप ट्रेंड जो है वो कायम रह सकता है आने वाले टाइम में। और साथ ही बात करें अगर इंट्राडे अपॉर्चुनिटी जो कल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो एमएसडी लेवल 0 पे जो है वो एक अप ट्रेंड हमें दिखा रहा है चार्ट पे, तो इसमें इंट्राडे के जो है पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं। कल इसको इन वैल्यू के साथ जरूर एक बार ट्राई करिएगा। तो गाइज नेक्स्ट स्टॉक जो हमने लिया है वो है भारती एयरटेल, ठीक है, और इस पे पहले भी हमने एक इंट्राडे का कॉन्सेप्ट बता दिया था आपको, तो सेम ट्रेंड जो है वो डाउनफॉल होने के बाद वापस हमको देखने को मिला है। इसकी एक बार वीडियो बना चुका हूँ मैं इंट्राडे के लिए, जिस वीडियो में हमने एमएसडी और आरएसआई को समझा था, तो यहाँ पे भी सेम ट्रेंड रिपीट हो रहा है, तो ये अभी राइट टाइम है और अपॉर्चुनिटी है। और क्लोजिंग में यहाँ पे भी हमें एक रेड सिग्नल देखने को मिल रहा है, तो कल सुबह जो है इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं इंट्राडे को। तो चलिए देख लेते हैं इनके भी डेटा और समझ लेते हैं कैसे इसमें एंट्री और एग्जिट की पोजीशन जो है वो बनानी है। तो गाइस आप देख सकते हैं एंट्री पॉइंट जो हमने रखा है वो 581 से 583 के बीच में रखा है, साथ ही टारगेट जो है वो 590 से 592, और अगर बात करें स्टॉप लॉस की तो 575 से 576। तो इन डेटा के थ्रू आपको जाना है अगर आप एक इंट्राडे ट्रेड इसमें ले रहे हैं। साथ ही अगर आप भारतीय एयरटेल में पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं, यानी कि 1 महीने या 2 महीने की होल्डिंग पे, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका एनालाइजेशन हमने करके रखा है, इसलिए यहाँ पे हमने पोजिशनल ट्रेड भी मेंशन किया है। अगर गैप अप हो जाता है नियर टारगेट तो इसमें भी आपको इंट्राडे पोजिशन नहीं लेनी है, ठीक है, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए लिखता हूँ गाइज, अवॉइड इफ ऑप्शन जो है वो आप पोजिशनल ट्रेड के लिए इसको कंसीडर कर सकते हैं। नोट को एक बार जरूर पढ़ लेना गाइज जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे पांचवा और लास्ट स्टॉक जो है वो है सुंदरम फास्ट, और इसमें कई बार इंट्राडे पे काम भी किया है, पर्सनली मेरी बात कर रहा हूँ मैं, और चार्ट अगर देखे गाइज तो बहुत ही अच्छा एक बुलिश ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बहुत हाई लेवल बन चुका था, फिर एक डाउनफॉल हुआ, और अभी इस क्लोजिंग में आप देख सकते हो लास्ट जो क्लोजिंग मोमेंट था उसमें एक अप ट्रेंड हमें दिख रहा है छोटी सी कैंडल, तो उम्मीदें जो हैं इसके ऊपर जाने की वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट को ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर बढ़ा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। यहाँ पे देखें अगर एमएससीडी और आरएसआई, तो आपको इसको कोई ज़्यादा इवेल्युएशन करने की ज़रूरत नहीं है, सब करके ही आपके सामने लाके रखा है। इसके डेटा को देख लेते हैं और समझते हैं इसमें कि कैसे एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल जो है वो रखना है। तो गाइस आप देख सकते हैं सुंदरम फास्ट की अगर बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे हमने मेंशन किया है, साथ ही टारगेट लेवल आप देख लीजिए गाइस। स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना है गाइस, नुकसान हो जाएगा। सुंदरम फास्ट में मैंने यहाँ पे भी लिखा है, देखिए कि इंट्राडे करो तो उसमें स्टॉप लॉस जो है वो मस्ट यूज़ करना है आपको, क्योंकि इसमें नुकसान हो सकता है या डाउनफॉल भी हो जाता है कभी कभी।
ठीक है, तो स्टॉप लॉस के बिना इसमें काम बिल्कुल मत करिएगा। इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड दोनों के लिए इसको कंसीडर कर सकते हैं गाइस, और अगर गैप अप हो जाता है नियर टारगेट तो इसको अवॉइड कर देना सिर्फ इंट्राडे के लिए, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं गाइस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया है उसके साथ आप बहुत अच्छी प्रॉफिट जो है वो कल के दिन में कर पाएंगे। और वीडियो खत्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप भी हैवी ब्रोकरेज से परेशान हैं तो यहाँ पे सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज लगता है ज़ेरोधा में अगर आप इंट्राडे करते हैं, तो इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है गाइस। अगर आप चाहें तो डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से खोल लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइज अगर आप यहाँ पे नए हैं। चलिए गाइज, मिलते हैं इसी के साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।